देहरादून विधानसभा क्षेत्र के बडलवह टोंटा गांव में सड़क ना होने की वजह से माता पिता अपनी लड़की की शादी करने से कतराते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क ना होने की वजह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून विधानसभा क्षेत्र में विभाग की लापरवाही कैसे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भारी है, इसका अंदाजा आप खड्ड में बदल चुकी बडल व टोंटा ना सड़क को देख कर लगा सकते हैं। पहली नजर में देखने पर कोई भी इस सड़क को खड या नाला ही कहेगा। लोगों का कहना है कि इस सड़क की दुर्दशा का सबसे बड़ा जिम्मेवार लोक निर्माण विभाग देहरा है, क्योंकि इस सड़क को बनाने के लिए अगस्त 2017 में ही देहरा के पूर्व विधायक रविंद्र रवि ने 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी, जिसके बाद लगभग एक साल पहले ही इस सड़क निर्माण का टेंडर अवार्ड कर दिया गया था, लेकिन विभाग आज तक इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं कर पाया है। लोगों का कहना है कि हल्की सी बारिश के बाद यह सड़क बिल्कुल बंद हो जाती है और आम दिनों में भी इस सड़क को साफ करना खतरे से खाली नहीं होता। इस सड़क पर परिवहन विभाग की मुश्किल से 2 बसें अपने समय पर आती है। इसके अलावा ज्यादातर लोगों को 4-5 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। स्कूल जाने वाले बच्चों और मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस संपर्क मार्ग के साथ लगते गांव में कोई भी माता पिता अपनी लड़की का विवाह इस गांव में नहीं करवाना चाहता। उन्होंने अधिकारियों से निवेदन किया है कि जल्द ही इस काम को शुरू करवाया जाए, नहीं तो फिर इस मामले में जल्द ही शिकायत के रूप में विभाग के उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखा जाएगा और जल्द ही इस शिकायत को विभाग के उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बाकी आगे की सड़क निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृत करवाने के लिए प्रयास किया जाएगा। आज यहाँ पे मैंने देखा है ये जो बड्डल से लेके आपका राम टोंटा वे का जो रास्ता है, इसका टेंडर लगभग 2017 अगस्त में ये टेंडर हुआ था, लेकिन आज तक ये काम शुरू नहीं हो पाया है, जो कि विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। देहरा पीडब्ल्यूडी विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। ये जो पैसा था, ये पूर्व सरकार में विधायक रहे हमारे देहरा के रविंद्र रवि जी ने स्वीकृत करवाया था, लेकिन उसके बाद इसका काम आज तक शुरू नहीं हो पाया, जिसके लिए आज यहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग बता रहे हैं कि इनको कैसे बरसात के दिनों में हल्की सी बारिश में ये सारा का सारा रास्ता बंद हो जाता है, और छोटे छोटे बच्चों को कैसे ये कंधे पे उठा के लेके जाते हैं, मरीजों को कैसे कंधे पे उठा के लेके जाते हैं। तो आज मैंने देखा है ये सारी स्थिति यहाँ पे समझी है कि लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है, और विभाग के अधिकारियों से भी बात की है कि जल्द इस काम को शुरू करवाया जाए और ठेकेदार से बात करके जो भी इस काम को शुरू करवाने के लिए उचित व्यवस्था की जाती है उसको जल्द शुरू करवा के इस काम को और लोगों को ये सुविधा दी जाए। और इसके साथ ही इसमें जो आगे का जो और पैसे की जो कमी आएगी, क्योंकि ये एक लंबा रास्ता है और अभी 20 लाख की राशि ही स्वीकृत करवाई गई थी, तो वो प्रदेश सरकार से बात करके और राशि स्वीकृत करवाई जाएगी और ये काम पूरा करवाया जाएगा। बड्डल टू बै, ये पहले कोटला बेहट जो हमारा डिवीज़न है, यहाँ से बाइफरकेट होकर के नया डिवीज़न बना था, उनके अंडर चली गई थी, और हाल ही में सड़क जो है हमें देहरा डिवीज़न के अंडर ट्रांसफ़र हुई है। तो मेरे ध्यान में लाया गया कि इस सड़क का काम जो है वो ठेकेदार नहीं कर रहा है, तो मैंने इसके सारे कागज़ वगैरह चेक किए हैं और हम बहुत शीघ्र जो है इसको फाइनल नोटिस दे करके इस काम को रिसाइन कर देंगे, ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और जो काम करने वाला कोई अच्छा ठेकेदार है वो इसको शीघ्र बना करके जनता को समर्पित कर सके। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए देहरा से गुलशन की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।